बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है रब से कि आप ठीक होंगे। कुरान पढ़िए आसान तजवीद के साथ। इब्तदाई बुक यानी केजी क्लास का बुक है, ज़ीरो ए क्लास का बुक है। इसमें सबक नंबर 6 को आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 6 ज़ा का सबक है। नाम, शक्ल और आवाज़, हर हरफ के लिए हम पहले उसका शक्ल का पहचान करते हैं और शक्ल की पहचान के बाद आवाज़ को अदा करते हैं। यानी नाम को हम पहचानते हैं कि शक्ल का ये नाम है, और शक्ल और नाम के बाद हम हरफ का दुरुस्त अदायगी करते हैं, यानी उसका आवाज़ को दुरुस्त अदायगी के साथ हम अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, इस शक्ल का नाम है ज़ा। ज़ा ज़ा सौती तरतीब में हम इस शक्ल को ज़ा कहते हैं। इसका नाम है ज़ाल। ज़ाल क्योंकि हम सौती तरतीब पर पढ़ते हैं, हरूफों का नाम नहीं लेते, यानी आवाज़ को अदा करते हैं, तो इस हरफ का आवाज़ है ज़ा। ज़ा ज़ा। प्यारे बच्चों, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है, तो आइए हम ज़ा को दुरुस्त अदायगी के साथ अदा करते हैं। ज़ा 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 ज़ा। प्यारे बच्चों, ज़ा के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। कहाँ पर है? ऊपर है। ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। प्यारे बच्चों, ये शुरू वाला जो शक्ल है, इससे हम ज़ा का पहचान करते हैं। ये ज़ा है, शुरू वाला शक्ल अगर हम ले ले तो इसको हम ज़ा कहते हैं। अगर हम ज़ा का नीचे वाला हिस्सा ले ले तो ये ज़ा नहीं है, क्योंकि हर हरफ का पहचान उसके शक्ल से होता है, और शक्ल ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम इस शक्ल का पहचान ऊपर वाला हिस्से से करेंगे, और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। तो प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाला हिस्सा अगर हम इस पर गोल दायरा लगाए तो ये ठीक होगा कि ये ज़ा का शक्ल है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों, ज़ा ज़हबुन, ज़ा ज़हबुन, ज़ा ज़हबुन। अरबी ज़ुबान में सोने को ज़हबुन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये दो जो है, ये कड़े है सोने का, तो अरबी ज़ुबान में ज़हबुन सोने को कहते हैं। अरबी ज़ुबान में ज़हबुन सोने को कहते हैं। अरबी ज़ुबान में ज़हबुन सोने को कहते हैं। आइए जुमलों में, अल्फाजों में हम इस हरफ का पहचान और दुरुस्त अदायगी करते हैं। ज़करा ज़करा ज़करा। प्यारे बच्चों, जहाँ से आपको आवाज़ मिले वहाँ पर मुझे बताएं कि गोल देरा मैं लगा लूँ इसके ऊपर, तो ज़करा में मुझे नंबर बताओ। ज़करा ज़करा नंबर एक पर है, शाबाश।
नबजा 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 नंबर तीन पर है शाबाश। हजारा 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 नंबर दो पर है शाबाश। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हर हरफ का अपना मखरज होता है। मखरज क्या है पहले मैंने बताया था, जिस जगह से हरफ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ज़ा का मखरज कौन सा है। मखरज ज़ा का है ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारों से मिले। ज़बान का नोक, ये ज़बान का नोक है और ऊपर वाला दो दांत जो है ये, इसको सनाया उलिया कहते हैं अरबी ज़ुबान में। ऊपर वाला दो दांतों को सनाया उलिया कहते हैं। ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारों से मिले तो ये हरूफ अदा होता है। मतलब ये थ्री हरूफ है, तीन हरूफ है, इनमें से एक हरफ ये ज़ा है। और इस हरफ को हरूफ लिस्विया कहते हैं, यही यानी ये नरम हरूफ में से है, इसलिए इसको हरूफ लिस्विया कहते हैं। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने शक्ल के नाम और आवाज़ की दरस अदायगी के साथ साथ ज़ा पर प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमने अल्फाजों में इन हरूफों की दुरुस्त अदायगी की और बाद में हमने मखरज का पहचान किया। प्यारे बच्चों, आखिर में मैं आपको घर का काम देता हूँ। सफ़ा नंबर 8 को ज़ुबानी याद करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।